खबर केसली से, फर्जी किन्नरों के खिलाफ समस्त चेलों के साथ देवरी से गद्दी पति किन्नर मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पुलिस में करवाई रिपोर्ट दर्ज, कार्रवाई की मांग। फर्जी किन्नरों ने गरीब आदिवासियों को मार मार के उनके हाथ पैर तोड़ दिए और उनकी मोटरसाइकिल पर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। देवरी से गद्दी पति किन्नर मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी चेले ने टड़ा पुलिस चौकी में आकर गोलू आजी ने चार किन्नर फर्जी किन्नरों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। रानी झेलम, निशा, ममता जो फर्जी तरीके से अवैध वसूली गहना लूटते पूरे क्षेत्र में फर्जी तरीके से उगानी करते हैं। बीते दिन टड़ा पुलिस चौकी अंतर्गत इन फर्जी किन्नर ने गरीब आदिवासी को मारा, जिसमें उनके हाथ पैर टूट गए। उनकी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिसकी शिकायत केसली थाना में की गई। उन फर्जी किन्नरों को ढूंढकर सजा दिलाने और किसी को भी जो किन्नर परेशान करे, किसी भी तरह पैसे की मांग करे तो तुरंत उन्हें पुलिस के हवाले कर, इस मांग को लेकर सभी किन्नर टड़ा पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई। जय श्री कृष्णा, जय महाकाल। मैं बोलूं देवरी वाली गद्दीपति हाजी गोलू नायक, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी किन्नर मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष। ऐसा है कि जो नकली किन्नर हमारे क्षेत्र के अंदर रहली और अपने टड़ा गौरझामर सुरकी इस क्षेत्र में अवैध वसूली कर रहे चार किन्नर हैं। उसका नाम सिलवानी, एक उसका नाम रानी, चोर है रानी, ममता और क्या बोलते उसका झेलम, और एक किन्नर और निशा। तो हमारे इस टड़ा क्षेत्र के अंदर किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसकी गाड़ी में आग लगा दी, उनने हमारे घर खबर पहुंची, उनने FIR दर्ज करवाई है। उस बाबत में टड़ा थाने के अंदर हम आए हुए हैं। ये चोरों के लाने फोटो भी सेंड करेंगे, अगर ये कहीं भी मिलते हैं तो इसके लाने जरूर करने बताया जाए हमारे लिए, उस पर इनाम भी रखी हुई हमने। और इन चोरों के लाने कहीं किसके घर बधाई लेने के लाने कहीं भी अगर वसूली करने के लिए जाते हैं तो मोबाइल नंबर डालवारा भी हम वाले नंबर पे हमारे संपर्क करें, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। इन चोरों को जरूर पकड़वाएं। जे बैठी थाने के अंदर। खबर भारतवर्ष के लिए केसली सागर से अजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।